चलिए जोरदार तेजी में एक्सप्लोरेशन कंपनियां हैं, जबान ऑफशोर 7% का रिटर्न, जियल ऑफशोर सिलान एक्सप्लोरेशन 4 से 5% चल चुके हैं, डॉल्फिन ऑफशोर में 5% का रिटर्न जनरेट हो चुका है। स्ट्रॉन्ग खरीदारी इन सभी स्टॉक्स पे आई है। टेक्समो पाइप्स पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज है और ये जो है शेयर ये नवंबर 2011 के उच्चतम स्तरों तक उस स्तर के करीब पहुंचा है, 33.5 के लेवल्स के आसपास। इसके अलावा फर्स्ट सोर्स ये स्टॉक लगातार चढ़ रहा है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से और अप्रैल महीने में 21% का रिटर्न जनरेट कर चुका है। ये रडार पर रखें आप, अच्छी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं मार्केट में। अभी ऑटोलाइट के शेयर में पिछले 2 दिनों में लगभग 26% का रिटर्न मिला और फिलाटेक्स एक और शेयर जो स्मॉल कैप शेयर है लेकिन नतीजों के बाद एक्टिविटी स्ट्रांग है और 3 सत्रों में 37% का रिटर्न जनरेट कर चुका है। कुछ खबरें जिसमें भारतीय इंफ्राटेल 2000 करोड़ के बायबैक को बोर्ड ने मंजूरी दी, बायबैक का प्राइस 450 रुपए प्रति शेयर रखा गया, 4.4 करोड़ शेयर्स के बायबैक को मंजूरी मिली है, उसका इंपैक्ट है। और सिंजीन बायोकॉन की मैनेजमेंट को भी आप सुन रहे थे और सिंजीन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन देखे गया इस बार रिजल्ट्स में, 66.5 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने खुद पोस्ट किया स्टैंड लोन बेसिस पे सिंजीन, और स्ट्रॉन्ग एप्रिसिएशन आज के सत्र में बनती हुई नजर आई। डायमंड पार एक और स्टॉक जिसपे ट्रेडर्स लगातार एक्टिव हैं और 2 सत्रों में 38% का रिटर्न ऑलरेडी ये स्टॉक जनरेट कर चुका है। तो छोटे मझोले स्टॉक्स भी इस मार्केट में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेशन ले रहे हैं। आशीष केलकर जी मेरे साथ जुड़े हैं अब। आशीष जी नमस्कार। सर ये एकदम से एक्सपायरी से पहले स्ट्रॉन्ग खरीदारी, साल का उच्चतम स्तर, नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट निफ्टी का क्या बैठता है आपके हिसाब से? रजत जी अगर निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन बन रहा है निफ्टी के चार्ट पर। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पिछला ये जो इन द मंथ ऑफ डिसंबर 2015 और जनवरी 2015 का जो है उसको तोड़ के भी हम ऊपर जाने की हमने अभी जस्ट उसको तोड़ा है, तो मैं ये मानता हूं कि ये जो बुलिश मोमेंटम है ये 8000 टू बी वेरी प्रिसाइज लेवल में बताता हूं, 8016 ये ऐसा लेवल है, इसके ऊपर अगर हम आज बंद होते हैं तो ये जो मार्केट है ये फर्म बुल्स के हाथ में आ जाएगा। तो मैं ये मानता हूं कि यहाँ से 8016 तक निफ्टी जाने की संभावना है, जो अभी रैली आई है 8016 के यहाँ पे हम थोड़ा रिव्यू लेना चाहिए और उसके बाद जो अपनी लॉन्ग पोजीशन है वो अभी भी बनाए रखे, नई लॉन्ग पोजीशन अगर लेनी है तो थोड़ा रुक जाए ऐसा मेरा मानना होगा। राइट, अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मैं आपसे बात करता हूँ। एक तो ये बताएं एक्सप्लोरेशन कंपनियां अबान ऑफशोर डॉल्फिन सिलान, इसमें स्पेसिफिकली आपको कोई काउंटर पसंद है? अबान में बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न मिले हैं सर, आप बताएं अबान में क्या करना चाहिए? अबान का अगर स्टॉक हम देखते हैं तो एकदम अहम लेवल है, अगर मैं रिसेंट टॉप जो बने हैं उनको ज्वाइन करके अगर ट्रेंड लाइन बनाता हूं तो उसका वैल्यू है करीबन 192 के ऊपर हम अभी है, तो मैं ये मानता हूं कि ये स्टॉक अगर अच्छी तरह से इधर ही क्लोज होता है, 192 के ऊपर क्लोज हमें देता है तो मैं ये मानता हूं कि ये स्टॉक करीबन 209 रुपए तक जाने की संभावना है, तो एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हमें इसमें दिखाई दे रहा है, तो मैं ये मानता हूं कि यहां पे भी खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस मैं थोड़ा डीप डाउन रिकमेंड करूंगा और जो मैं करूंगा स्टॉप लॉस करीबन 187 का और 209-210 का लक्ष्य इस स्टॉक पर दिखाई दे रहा है। चलिए पर वो बहुत पास है लक्ष्य, तो अगर बैंड डिप्स अगर नीचे मिल जाए ये स्टॉक तो काफी बेहतर एक ट्रेड साबित हो सकता है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर ट्रेडर्स फोकस कर रहे हैं क्लियर कट पिछले कुछ दिनों में, उसमें एक स्टॉक है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, टारगेट बताएं सर क्या चार्ट्स पे निकल के आने अभी? कौन सा स्टॉक कहा आपने? सॉरी, फर्स्ट सोर्स छोटे मझोले आईटी सेक्टर को बिलोंग करता है और पिछले कुछ दिनों में काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेट हो चुका है फर्स्ट सोर्स, फिलहाल 4% की तेजी के साथ 40.50 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, आपकी राय? अगर ये स्टॉक हम देखते हैं तो ये स्टॉक अभी करीबन ट्रेड कर रहा है 40.50 रुपए पे, यहाँ पे चार्ट के ऊपर अगर हम फॉर्मेशन देखते हैं तो एक अच्छा खासा बेस बिल्डिंग हो चुका है इस स्टॉक में, तो मैं ये मानता हूँ कि 39 का स्टॉप लॉस लगा है यहाँ पे और चार्ट के ऊपर जो रुझान दे रहा है वो करीबन 44.60 रुपए तक का भी ये जा सकता है, 44.60 के ऊपर भी अगर ये स्टॉक ट्रेड करता है तो सीधा 49 तक का ये लक्ष्य दिखा रहा है, तो मैं ये मानता हूँ जिनके पास होल्ड पोजिशन है लॉन्ग पोजिशन है वो होल्ड करे और नई खरीदारी करने की सलाह 44.5 के ऊपर होगी। चलिए कुछ और स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अंचल में सहयोगी इन हाउस रिसर्च टीम से मौजूद हैं। अंचल बताएं ब्रोकिंग हाउस के रडार पर पहला शेयर साल के उच्चतम स्तर पे पहुंच चुके हैं आप? शुक्रिया सर, देखिए पहला स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा शिल्पी केबल्स का, बाजार उच्चतम स्तरों पे और ये एक स्टॉक है जो ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिख सकता है और एक अच्छे रिटर्न देता हुआ दिख सकता है अपने निवेशकों को। सो मच, शेयर अभी फिलहाल 23% नीचे कामकाज कर रहा है अपने हाई से, तो एक अच्छा पोटेंशियल रखता है वापस अपने हाई को स्केल करने के लिए, नतीजे इसको बैक कर रहे हैं, Q3 नतीजे अच्छे रहे थे, Q4 में भी एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद है। सो मच, 2014 से 2017 के बीच में ऐसा अनुमान है कि कंपनी का जो मुनाफा है वो करीब 50% बढ़ता हुआ दिखेगा और अब Q4 का आखिरी क्वार्टर है, 2017 आने से पहले आखिरी क्वार्टर है, उसमें भी एक रोबस्ट जंप की उम्मीद की जा रही है।
वैल्यूएशंस का शेयर के बेहद सस्ते हैं। अगर आप पी कंपेयर करें सेक्टर का, तो अभी मौजूदा जिस सेक्टर में है शेयर, उसका पी करीब 24 के मल्टीपल में, वहीं शेयर अभी सिर्फ 12.3 के मल्टीपल में ट्रेड करता है। एक अच्छी कैश ईपीएस कमांड करता है, करीब 4.22 रुपये की कैश ईपीएस है, और FY17 के लिए अनुमानित ईपीएस करीब 22 रुपये की, और पी मल्टीपल सिर्फ 2.5 टाइम्स, यानी बेहद सस्ते दरों में ट्रेड कर रहा है। और यहाँ से अगर आप खरीदारी करते हैं, एक अच्छी वैल्यूएशन पे शेयर है और एक अपसाइड दिखती है, यहाँ से एक अच्छी अपसाइड दिखती है, इसलिए फर्स्ट कॉल शिल्पी केबल में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। टारगेट दे रहे हैं 73 रुपीज़ का। चलिए 73 का लक्ष्य, यहाँ से स्ट्रॉन्ग अपसाइड पोटेंशियल इस स्टॉक पे, फिलहाल 56 पे ट्रेड कर रहे हैं, इसको अपने रेडार पर रखें। ऐसे दूसरा शेयर बताएं अंचल। दूसरा काउंटर रहेगा ब्लिस जीवीएस का। ये शेयर भी कहीं ना कहीं एक अच्छी वैल्यूएशन पर है, शेयर ऑलरेडी करीब 48% करेक्ट हो चुका है और यहाँ से एक अच्छा अपसाइड दिखा सकता है। नतीजे कंपनी के अच्छे रहे थे Q3 के, Q4 में भी एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद है। कंपनी की लगातार लागत घट रही है, जिसका फायदा मार्जिन के तौर पे Q4 में आता हुआ दिखेगा। एक अच्छा डिविडेंड रिकॉर्ड है कंपनी का, साथ ही साथ वैल्यूएशन कंपनी की शेयर की बेहद सस्ती है। सेक्टर का पी करीब 32.7 टाइम्स है, वहीं शेयर महज 16.7 के मल्टीपल पर ट्रेड करता है। FY17 के लिए अट्रैक्टिव वैल्यूएशन शेयर होल्ड करता है और मौजूदा कैश ईपीएस भी करीब 6 रुपए की, तो एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ वैल्यूएशन में शेयर कामकाज करता है, इसीलिए फर्स्ट कॉल मानता है। आप खरीदारी कर सकते हैं ब्लिस जीवीएस फार्मा में, 185 रुपए का लक्ष्य रहेगा। राइट, ब्लिस जीवीएस एक और कैंडिडेट ब्रोकिंग हाउसेस रडार पर है, अच्छी तेजी बन सकते हैं स्टॉक में, आप इसको भी अपने रडार पर रखें। तो दो स्टॉक हो गए, तो ब्लिस जीवीएस और दूसरा शिल्पी केबल जो ब्रोकिंग हाउस रडार पर है। बहुत शुक्रिया अंचल मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आशीष जी, आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? बाजार की इस तेजी को प्ले करना हो तो आपके हिसाब से टेक्निकल स्ट्रक्चर जो बहुत मजबूत है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया, हमारे रडार पर दो स्टॉक्स है, पहला है कजारिया सिरेमिक्स, इसके लिए मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड करना चाहूंगा 1030 का, और इसका चार्ट के ऊपर जो जिस तरह से फॉर्मेशन है उसके हिसाब से अगर हम टारगेट कैलकुलेट करते हैं तो करीबन 1110 का ये टारगेट दिखाई दे रहा है। ये जो स्टॉक है, ये मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ अभी, वो इंट्राडे के तौर पर नहीं है, वो थोड़ा पोजिशनल ट्रेड रहेगा। दूसरा जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया है वो है अजंता फार्मा, 1505 का स्टॉप लॉस लगाए रखे और करीबन 1603 का टारगेट चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। कि जिस तरह से मूलिश मोमेंटम आया है और जिस तरह से वॉल्यूम और मूविंग एवरेजेस ने मुझे वही रुझान दिया है, तो दूसरा स्टॉक अजंता फार्मा मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। चलिए, अजंता फार्मा की आपने बात करी है, मिड कैप कैटेगरी में आप पहुंचे, तो मैं दो स्टॉक्स आपसे पूछ रहा हूं, M&M फाइनेंशियल और SKS माइक्रो, इन दोनों स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए सर? कंपेयर करता हूं तो सबसे पहले मैं M&M फाइनेंस की बात करता हूँ। इसने जिस तरह से रैली दिया है, करीबन 180 के लेवल से वो 304 तक ये स्टॉक पिछले कई ट्रेडिंग सेशन में से आया है, तो मैं यहाँ पे मानता हूँ कि एक करेक्शन यहाँ पे जरूरी होगा। अगर करेक्शन नहीं आता है तो फिर ये स्टॉक ज्यादा बुलिश मोमेंटम जारी नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक करेक्शन आएगा। लेकिन दूसरा जो स्टॉक जो आपने कहा SKS माइक्रो, तो ये जो स्टॉक है, ये अगर मैं दोनों में कंपेयर करता हूं तो ये स्टॉक मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। चार्ट के ऊपर उसने पिछले कई दिनों का जो एक रेजिस्टेंस था उसको तोड़ दिया है, तो मैं यहां से मानता हूं कि करीबन 680 तक का ये स्टॉक में टारगेट दिखाई दे सकता है। तो SKS माइक्रो खरीदारी करने की मैं सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप डाउन रखूंगा रजत जी, और ये जो स्टॉप लॉस है करीबन 578 का होगा और 680 का लक्ष्य भी यहां पे दिखाई देगा। राइट, काफी समय बाद इन लेवल्स पे SKS माइक्रो, जुलाई 2011 जहां तक मेरे को याद है उसके बाद ये स्तर देखने को मिल रहे हैं। आपके पास मैं लौटूंगा सर, लेकिन आज प्राइमरी मार्केट पे काफी हलचल है। थायरो केयर टेक्नोलॉजीज का आईपीओ खुला है, लीडिंग पैन इंडिया डायग्नोस्टिक चेन का आईपीओ है। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं डिटेल्स लेकर। सुमित, बताएं किस तरह की कंपनी है, वैल्यूएशन कैसी, और क्या इन स्तरों पर सब्सक्राइब करने की सलाह दी है ब्रोकिंग हाउसेज ने? शुक्रिया रजत, आज से एक आईपीओ खुल रहा है, आईपीओ है थायरो केयर का, 29 अप्रैल तक ये आईपीओ खुला रहेगा। जो प्राइस बैंड है वो 420 से 446 रुपये पर शेयर का एक प्राइस बैंड तय किया गया है। कंपनी की रफली अपर एंड पे 480 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है, लोअर एंड पे 450 करोड़ रुपये कंपनी जुटाएगी आईपीओ के जरिए। और इस कंपनी इस रकम जुटाने में कंपनी के पास कुछ नहीं आएगा, ये OFS है, यानी कुछ स्टेक यहाँ पर प्रमोटर ऑफलोड कर रहे हैं। करीब करीब 1% हिस्सेदारी घटेगी प्रमोटर्स की, 63.96% के आसपास की हिस्सेदारी होगी। और यहाँ पे एक और अहम अपडेट जो आया है आज, वो ये कि एंकर इन्वेस्टर के जरिए भी करीब करीब 143 करोड़ रुपये यहाँ पर जुटाए गए हैं, और ये भी 443 के दाम पर, यानी कि अपर एंड के आसपास ही जुटाए
गए हैं। इसके अलावा कंपनी की डिटेल की अगर बात करें तो कंपनी पैथोलॉजी कारोबार के अंदर है, 483 शहरों में कंपनी का प्रेजेंस है, एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और स्पेशली थायराइड कारोबार में कंपनी का एक बड़ा नाम भी है। इसके अलावा कंपनी 4 अहम सेगमेंट्स के अंदर भी कामकाज करती है और जल्दी कुछ नए 2 और सेगमेंट्स ऐड करने की बातचीत भी कर रही है अपने कारोबार के अंदर। रही बात ब्रोकर्स की, तो ब्रोकर्स में ज़्यादातर यानी कि सेंट्रम की बात करें तो उनका यह मानना है कि यहाँ पर सब्सक्राइब किया जा सकता है, एटलीस्ट लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर सब्सक्राइब कर चलने की राय SMC की तरफ से भी आ रही है। आनंद राठी ये मानता है कि यही कंपनी अच्छी है और जिस तरह की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है कारोबार की, जिस तरह की भारत में कंपनी की ग्रोथ है उसको आधार मानते हुए लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पर किया सकता है, लंबी अवधि के लिए भी इसे सब्सक्राइब किया जाता है। ज़्यादातर ब्रोकर्स जो है उनकी खरीदारी या फिर सब्सक्राइब करके चलने की ही यहाँ पर राय दी जा रही है। इसके अलावा हमारे संवाददाता अनुराग ने कंपनी मैनेजमेंट से भी बातचीत की है, आपको उसके कुछ अंश सुनवाए थे। आज से आपका ये IPO खुल रहा है तो सर, जो कल एंकर बुक क्लोज हुई तो एंकर निवेशकों की तरफ से कैसा रिस्पांस मिला है? ऐसा तो रिस्पांस लगभग 20 एंकर्स पूरी बिक मांगे तो हमें दिक्कत इसलिए कि बहुत सारे मांग दी, तो फाइनली 15 लोग ही परमिटेड है और प्राइस बैंड की जो अपर साइड है पूरा एप्लीकेशन अपर साइड में ही थे, तो 144 करोड़ 15 पार्टियों को कल अलाटमेंट कर चुके हैं। इसमें 60% डोमेस्टिक लिए मैंने सिफारिश की है और 40% FII के लिए गए हैं। सर, इस IPO के जरिए जो आप कितनी पूंजी जुटाने वाले और जो उसका इस्तेमाल होगा वो किस जगह पे होगा? ऐसा तो ये जो अंदर जो पैसा आ रहा है ये कंपनी के अंदर नहीं आ रहे हैं, हमारे पास जो इन्वेस्टर थे उनका एग्जिट के लिए ये IPO किया जाती है 100% ऑफर फॉर सेल। कौन कौन से इन्वेस्टर हैं जो अब एग्जिट हो रहे हैं ऑफर फॉर सेल के जरिए? ऐसा तो 6 इन्वेस्टर है, इसमें एक ही इन्वेस्टर एग्जिट हो रहे हैं और वो भी पूरा नहीं एग्जिट हो रहे हैं, उनकी 22% का स्टॉक हाथ में है और 3% वो लोग रिटेन कर रहे हैं और 19% उनकी है, मैं नाम के वास्ते 1% जोड़ चुका हूँ। चलिए, तो लिस्टिंग बेनिफिट उठाने के लिए IPO लाया जा रहा है यानी कि स्टेक सेल होगा, पर यह मैं आपको बता दूं इस सेक्टर से जुड़ी जिस भी कंपनियों ने इस बार लिस्टिंग की है वो जबरदस्त रिटर्न्स दे रही है। नारायण हुदाले का एग्जांपल ले लें, 19% ऊपर है लिस्टिंग से अब तक, नारायण हुदाले में बहुत स्ट्रांगली रिटर्न मिले। एलकेम लैब्स एक और शेयर लगभग 16% ऊपर लिस्टिंग से अब तक और डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में तो 78% की लिस्टिंग के बाद तक कमाई हो चुकी है। तो ये जो सेक्टर है इसमें एपेटाइट, रिस्क एपेटाइट क्षमता बहुत स्ट्रांग है इन्वेस्टर्स की और लगातार अच्छे शेयर्स की लिस्टिंग के बाद शेयर्स में अप्रिसिएशन होता हुआ देखा है। ये जो IPO है थायरोकेयर का, ये भी रडार पर है इन्वेस्टर्स के। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि रमेश दुमानी साहब हमारे साथ जुड़े थे, उनसे हमने जानने की कोशिश की कि बाजार पे कौन से सेक्टर्स में पकड़ मजबूत हो सकती है और बाजार अल्टीमेटली जा कहाँ रहा है। BSE की मेंबर और बाजार के दिग्गज रमेश दुमानी का मानना है कि सॉफ्टवेयर सेक्टर में अच्छी तेजी बाकी है। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, आई एम नॉट सेइंग कि जो बेसिक मॉडल सर्विस कंपनी है जो अमेरिका का काम $100 में होता है वो $80 में कर रहा है उसमें कोई खास तेजी होगी, बट सॉफ्टवेयर इज बोलते ना मिडिल ईस्ट का ऑयल है, इट कैन रन वेरियस इंडस्ट्रीज, रियल एस्टेट, इट कैन रन यू नो एयरलाइंस, इट कैन रन ऑलमोस्ट ड्राइवरलेस कार। सो अभी जो सेकेंड जनरेशन के सॉफ्टवेयर कंपनीज है, द एनालिस्ट विल हैव टू लुक फॉर द कंपनीज, दे कुड बी कंपनीज दैट हेल्प इन साइबर सिक्योरिटी, they could companies that help in putting banking systems together. I think jo mid level strata mein abhi 2-3 company india mein maujood hai, if you focus on that, they are not services oriented company which has been very profitable for us to invest in, but product oriented intellectual property algorithm companies, I think there are opportunities in that sector and I believe that software mein abhi bahut runway baki hai, bahut paisa banana baki hai, bahut industries conquer karna baki hai, so इट्स सॉफ्टवेयर में पार्टी जो है वो बरकरार रहेगी। यू जस्ट हैव लुक फॉर डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज, आई थिंक द सर्विसेज मॉडल यू बेटर स्टिक टू द लार्ज कैप्स, फॉर द स्मॉलर कैप्स मिड कैप्स लुक फॉर द प्रोडक्ट ओरिएंटेड एल्गोरिथमिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनिंग कंपनीज। चलिए, IT शेयर्स तो उनके रडार पर है ही, लेकिन रमेश दुमानी साहब का ये भी कहना था कि लॉजिस्टिक शेयर्स और सीमेंट शेयरों पर भी दाव लगाने का सही मौका है बाजार में। देखिए, जैसे आप स्मार्टफोन की राइज होगी, there will be a rise, a boom in e-commerce. And with e-commerce, har e-commerce purchase ke saath ek delivery honi jaruri hai.
तो इट्स वेरी ऑब्वियस द केस ऑफ लॉजिस्टिक्स कंपनी इज वेरी ऑब्वियस. आई थिंक द प्रॉब्लम इज वी हैव टू फाइंड हु कैन डिलीवर इट एफिशिएंटली. सो यस, जो आपका क्वेश्चन संक्षेप में बात करने में, मुझे लॉजिस्टिक्स कंपनी अच्छी लग रही है. चलिए, लॉजिस्टिक्स कंपनियां पसंद है. आशीष जी, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पे अप्रोच बताने के लिए, कुछ ट्रेडिंग आइडियाज शेयर करने के लिए. फिलहाल 7980 यानी साल के उच्चतम स्तर पे ऑयल एंड गैस शेयर्स, एनर्जी शेयर्स लीड कर रहे हैं बाजार की इस रैली को.